हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए की प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से, इससे 8-9 क्वेश्चन पक्का आएगा और हमें 15 से 20 नंबर इसे अच्छे से कंप्लीट करने हैं। देखिए, इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बस हमें कुछ बातें याद रखनी है, 4-5 पॉइंट को अच्छे से याद रखना, देन हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, जो आपके फेवर में होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो टोटल आउटकम होगा उसे नीचे लिखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट हो चुका हो, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो। नीचे वाला ये कंप्लीट हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी कंप्लीट हो चुका हो, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हो चुका हो वो नीचे आएगा उसका प्रोबेबिलिटी, आपको ये याद रख। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने ना होने पर डिपेंड नहीं करता। अगर ए और बी दो इवेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है, तो ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो, इसका भी अंतर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, क्योंकि बी के होने की प्रोबेबिलिटी ए के होने ना होने पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का कुछ एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों के क्वेश्चन के सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। उसी से दो क्वाइन को अलग अलग सेपरेटली हम अगर थ्रो करेंगे तो उस पर हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। अगर इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, तो इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, इसकी जगह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको इधर भेज देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये रिजल्ट आ गया। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसमें जो इंटरसेक्शन होगा वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फाई होगा। यानी जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उसके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, जीरो। उसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर दो या तीन इवेंट, अगर ए और बी अगर एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो अगर इसका हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस। उसी तरह से ए बी और सी अगर एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो अगर इसका हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट का जितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होगा, जैसे आपको तीन इवेंट के लगातार होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इंटू बी इंटू सी, तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी दोनों इवेंट हो चुका हो। तो जैसे मान लो हमें एक पूरे प्लेइंग कार्ड में से दो किंग निकालना है और एक एस निकालना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जब एक किंग निकल चुका हो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब दोनों किंग निकल चुका हो। तो किंग के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, चार होते किंग, तो 4 अपॉन में 52
इनटू में दूसरा भी किंग निकले, जब एक किंग निकल चुका हो तो तीन किंग बचे और टोटल कार्ड कितना बच गया 51। इनटू में एस के निकलने की प्रायोरिटी, एस कितना होता है 4, अब दोनों किंग निकल चुका था, टोटल कार्ड कितना बचा 50। तो ये है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है, ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी, और नीदर ए नॉर बी का मतलब ना तो ए ना तो बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन लॉ। अगर हमें निकालना होगा ए यूनियन बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसे हम डी मॉर्गन लॉ से लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी होल पर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हो और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हमें लगाना हो तो ये साइन बदल जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा यूनियन, यानी ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2022 का, एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया था 2 digit आउट ऑफ दिस आर चूजन एट रैंडम, यानी टोटल 5 digit है, इसमें से 2 digit को चुना गया था। टोटल केस कितना हो गया आपका, टोटल केस हो गया 5 में से 2 को सेलेक्ट करना, यानी कि 5C2 आंसर आ जाएगा 5×4/2×1, ये तरीका होता है 5 में से 2 को चुनने का तरीका, कट जाएगा ये आ जाएगा आंसर 10, यानी टोटल केस कितने हो जाएंगे 10। तो 2 digit को लिया गया इसमें से और उसको फिर क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया एक साथ, 2 digit को लेकर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट अपेयर एज 0, और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 नंबर प्रोडक्ट हुआ है उसके लास्ट में क्या हो 0। तो लास्ट में 0 वाला कौन कौन आएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 5 से होगा तो 10 आएगा, और उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई जब 5 से होगा तो 20 आएगा। तो 2 digit ऐसा होगा जिसके लास्ट में क्या आएगा 0। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गया, फेवरेबल आउटकम आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2, यानी 10 आएगा और 20 आएगा, टोटल आउटकम कितना है 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, यानी कि 1/5, जो कि सेकेंड ऑप्शन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2021 का, जिसमें बोला गया है ए के नहीं होने की प्रायोरिटी, बी के नहीं होने की प्रायोरिटी, ए जब बी हो चुका हो इसकी प्रायोरिटी, और हमें निकालना है बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये आसान सा क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है, क्योंकि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी तो पता है 3/10 है, बस क्या नहीं पता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी वैल्यू है 3/14, ये हमें निकालना ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी की प्रोबेबिलिटी, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 3/14 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रहेगा, 7 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा कितना 3/20। तो आप यहाँ डाल देंगे तो B के होने की प्रोबेबिलिटी जब A हो चुका हो, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/20, और A की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10, तो 3 और 10 चला जाएगा ऊपर, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनडीए 2021 का, जिसमें बोला गया है 3 digit नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट ऑफ 137 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, विदाउट रिपीटेशन यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है।
अ नंबर इज सेलेक्टेड एंड रैंडम, उसके बाद वो तीन डिजिट में से एक नंबर ले लिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। तो टोटल केस क्या आ जाएगा, तीनों को तीन बहुत तीन डिजिट का नंबर बनाना है, तो रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है फर्स्ट प्लेस पे, रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल बाय थ्री वे देन टू वे एंड वन वे। तो आंसर कितना आ जाएगा, टोटल केस तो हो जाएंगे छः, और फेवरेबल केस जो है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय थ्री। तो इस तीनों डिजिट के हेल्प से जब नंबर बनेगा तो वो कोई भी थ्री का डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जब नंबर बनेगा जैसे 137 बनेगा, 713 बनेगा, तो ये थ्री का डिविजिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका सम थ्री का डिविजिबल होने के लिए इन सब का सम भी थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। इसका सम कितना हो जाएगा, 11। 11 अगर सम आ गया, तो सम अगर 11 आ रहा है तो ये नंबर थ्री से डिविजिबल, एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो थ्री से डिविजिबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 0/6, यानी कि 0 फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2021 सेकेंड अटेम्प्ट का, जिसमें बोला गया है कि एक प्रॉब्लम तीन स्टूडेंट को दिया गया सॉल्व करने के लिए, और उन तीनों के प्रॉब्लम के सॉल्व करने की प्रायोरिटी दे रखी है, और क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रायोरिटी दे रखी है 29/32, तो पी की वैल्यू हमें बतानी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारा, ए सॉल्व करे, बी सॉल्व नहीं करे, सी सॉल्व नहीं करे, या बी सॉल्व कर दे, ए सॉल्व और सी सॉल्व नहीं करे, इसी तरह बहुत सारा केस बनेगा, सी सॉल्व कर दे, ए और बी सॉल्व नहीं करे, फिर ए बी सॉल्व कर दे, सी नहीं सॉल्व करे, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। फिर सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐड करो, और फिर 29/32 के इक्वल लिखो, फिर क्या लिखो, 29/32, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो इसको हम शॉर्ट क्या कर देते हैं, हमें इसी की तो प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ही तो निकालनी है, तो क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फुल प्रोबेबिलिटी में से क्या कर देते हैं, क्वेश्चन के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 1-। प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगा, जब ए भी सॉल्व नहीं करे, बी भी सॉल्व नहीं करे, और सी भी सॉल्व नहीं करे, यही हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। 1-, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1-, ए के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आ जाएगी, बी के सॉल्व नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे तो 1/4, पी के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो 1-, क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 29/32, इसे सॉल्व कीजिए, 1-P/8 इज इक्वल टू 29/32, उधर ले चलते हैं, ये हो जाएगा 1-P/8 इज इक्वल टू 1-29/32, 1-P/8 इज इक्वल टू 3/32, ये कट के कितना हो जाएगा, 4, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1-3/4, यानी कि 1/4 इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2020 का, जिसमें बोला गया है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसके ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो बोला इसमें कौन सा सही नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आ जाएगा 5/6, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ निकालना ही है बी की प्रोबेबिलिटी, इसमें चेक करने के लिए माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, तो 5/6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उधर जाके माइनस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5/6 माइनस 1/6, 4/6, यानी कि 2/3, ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, और इंट इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, 2/3, ये बिल्कुल सही है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये भी सही है। और जब भी ऐसा होता है तो ये कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये फिर भी ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसका सीधे सीधे अलग हो जाएगा। जैसे ये अलग हो गया इंटू करके, ये भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा इंटू करके अलग हो जाएगा। यानी डी भी सही है, बी भी सही है, सी क्या है ऑप्शन गलत है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2020 का है, जिसमें बोला गया इन अ लॉटरी 10 टिकट्स, 10 टिकट है जिसमें 1 से 10 लिखा हुआ है और उसमें से दो टिकट को साइमल्टेनियसली निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट ड्रॉन हैव प्राइम नंबर, जो दोनों टिकट लिया गया वो दोनों का दोनों क्या हो प्राइम नंबर का हो। पहले तो हम लिख दे रहे थे टोटल केस क्या होगा, टोटल 10 टिकट है और उसमें से दो टिकट को चुनना है, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे 10C2, यानी कि 10×9 अपॉन में 2×1 कितना आ जाएगा ये 45, टोटल केस तो आ जाएगा 45। फेवरेबल केस क्या होगा प्राइम नंबर, 1 से 10 में कितने प्राइम नंबर है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर में से 2 प्राइम नंबर को लेने का तरीका क्या होगा 4C2, आंसर क्या आ जाएगा 4×3 अपॉन में 2×1 कट के कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो फेवरेबल केस कितना आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6 अपॉन में 45, यानी कि 3 से कट हो जाएगा, 3×2 जा और 3 से ही हो जाएगा 15, यानी कि 2/15 इज द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2020 का, जब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, इसमें बोला अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म, 3 लोगों की कमेटी बनाना कहाँ से, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल, दो गर्ल और दो बॉय का ग्रुप है, उसमें से 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो 3 लोगों की कमेटी बनानी है, 2 बॉयज लेने और 1 गर्ल लेने, तो हमें 2 बॉय में से दोनों को लेना है, तो 2 बॉय में से 2 को लेने का तरीका 2C2 एंड अभी गर्ल को भी लेना है, 2 गर्ल में से 1 गर्ल को लेने का तरीका 2C1, ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। और अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल आउटकम, टोटल कितने लोग हैं, टोटल है कितने 4 और 4 में से हमें लेना कितना है 3, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4C3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2C2 तो 1 ही हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, 4C3 सॉल्व कर लेना 4 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/2 जो के फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2018 का है, ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए इफ 2 डाइस आर थ्रोन एंड एटलीस्ट 1 ऑफ द डाइस शो 5, दो डाइस को फेंका गया उसमें कम से कम एक डाइस क्या शो कर रहा है 5, तब आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी द सम इज 10 और मोर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए लिया जाता है। एक है सम क्या होना चाहिए 10 या 10 से ज़्यादा, तो सम 10 कब आएगा 5 पे 10 आएगा, उसके बाद 4 6 पे 10 आएगा, उसके बाद 6 4 पे 10 आएगा, और इधर 10 से ज़्यादा कब आएगा 5 6 पे 5, अब उसके बाद आ जाएगा 6 5 पे आ जाएगा और 6 6 पे आ जाएगा, ये हो जाएंगे 10 या 10 से ज़्यादा वाले केस, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और जो गिवन है जो हो चुका है उसको बी लेंगे, क्या गिवन हो चुका है एटलीस्ट 1 ऑफ द डाइस शो 5, कम से कम एक डाइस क्या शो करना चाहिए 5, तो 5 वाला सारा केस हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एटलीस्ट का मतलब हुआ एक या एक से ज़्यादा, उसके बाद और भी आएगा 5 वाला, 1 5 वाला आएगा, 2 5 वाला भी आएगा, 3 5 वाला भी आएगा, 4 5 वाला भी आएगा और 6 5 वाला भी, ये आ गया बी वाला जो कि इवेंट हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इसमें कॉमन क्या है, वही कॉमन होगा जिसका सम 10 या 10 से क्या होगा ज़्यादा, एक ये कॉमन आ जाएगा ये तो नहीं आएगा, एक ये कॉमन आ जाएगा, एक ये कॉमन आ जाएगा जिसका सम क्या होगा 10 या 10 से ज़्यादा, तो 3 आ गया, दो डाइस को फेंका था, टोटल केस कितना होगा 36 अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी 2 4 6 8 10 11 अपॉन में 36, आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 11 जो कि थर्ड ऑप्शन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2019 का कितना आसान क्वेश्चन आया था, जिसमें बोला गया है ए और बी दो इवेंट है और आपसे बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इधर ए और बी। अभी अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में और का मतलब होता है यूनियन, तो ए यूनियन बी होगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2019 का, जिसमें बोला गया ए एंड बी आर सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा फाई, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और देन हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता नहीं है बट बी की प्रोबेबिलिटी पता है कितना 0.6, बस हमें ये निकालना होगा। अब तो क्या करते हैं ये हमारे पास आ गया, अब इसमें हम लगा देते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग बताया था स्टार्टिंग में इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या लिख सकते हैं किसी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस उसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया 1 के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। ये दे रखा 0.5 0.6, ये इधर ले आते हैं माइनस 1 इसको इधर ले जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आसानी से आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 1.1 माइनस 1 0.1 आ गया। इसमें पुट कर देते हैं तो आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो ये 0.1 अपॉन 0.6, आंसर क्या आ जाएगा 1/6 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2019 का, जिसमें बोला है इफ टू फेयर डाइज आर रोल देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई शो 6 गिवन दैट सम ऑन द नंबर ऑफ डाइज इज 8। यानी आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना उसे ए लो और जो गिवन हो उसे क्या लेना आपको बी। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट डाई शो 6, तो कौन कौन आ जाएगा इसमें 6-1 आ जाएगा, 6-2 आ जाएगा, 6-3 भी आ जाएगा, 6-4 भी आ जाएगा, 6-5 भी आ जाएगा और 6-6 भी आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डाई शो 6 बोला है और जो गिवन है जो हो चुका है वो हो जाएगा बी। बी में क्या आ जाएगा सम क्या होना चाहिए 8, तो पहले वाले से कोई नहीं आएगा दूसरे से आएगा 2-6 आएगा, 3-5 आ जाएगा 8 हो गया सम, 4-4 आ जाएगा सम 8 हो गया, 5-3 हो जाएगा और 6-2 हो जाएगा, ये सम कितना है 8 है। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब बी गिवन हो बी हो चुका हो, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें कॉमन क्या है कॉमन सिर्फ कौन होगा जिसमें ये 6-2 ही तो कॉमन है और तो कोई कॉमन ही नहीं है सिर्फ यही कॉमन है एक ही कॉमन है, तो 1 अपॉन में 36 टोटल के 36 होगा और बी की प्रोबेबिलिटी 2-4-5 5 अपॉन में 36 आंसर क्या आ जाएगा 1/5 जो के थर्ड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2019 का, जिसमें बोला गया है अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड डाइस लैंड ऑन हायर वैल्यू देन डज अ फर्स्ट। यानी सेकेंड डाइस पे क्या आना चाहिए पहले डाइस से ज्यादा नंबर, जैसे मान लो फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आया तो इस पे क्या आना चाहिए सेकेंड डाइस पे आना चाहिए 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 और 6 आना चाहिए। तो कितने केस बने यहाँ से तो मिल जाएंगे आपको 5 केस। अगर फर्स्ट डाई पे 2 आया तो यहाँ क्या चलेगा 3-4-5-6 चलेगा, तो इससे मिल जाएंगे आपको 4 केस। अगर फर्स्ट डाई पे 3 आया तो सेकेंड डाइस पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 केस। अगर फर्स्ट डाई पे 4 आया तो सेकेंड डाइस पे कितना चलेगा 5 चलेगा और 6 चलेगा, तो यहाँ से 2 केस मिल जाएगा 4-5 वाला और 4-6 वाला। अगर फर्स्ट डाई पे 5 आ गया तो सेकेंड डाई पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 केस। टोटल केस कितना हो गया 5, 4, 9, 3, 12, 12 और 3, 15, तो टोटल केस कितना हो गया फेवरेबल केस कितना हो गया 15 और टोटल केस कितना होगा 2 डाइस को फेंका गया तो 36 आंसर क्या आ जाएगा 3, 5 जा और 3 से क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा 5/12 जो कि थर्ड ऑप्शन है।